नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। व्यापारियों ने किया एसडीएम का घेराव। खबर चंदौली के मुगल सराय, जहां अनिश्चितकालीन लॉकडाउन के अजीज आकर व्यापारियों द्वारा एसडीएम का घेराव कर दुकानों का खोले जाने की अनुमति मांगी। दरअसल 10 दिन में मुगल सराय में कोरोना के बड़े संख्या में मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है था, जिसके बाद सभी दुकान पूरी तरह से बंद थी, जिसके समय रविवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद सोमवार की दुकान खोलने गई, लेकिन पुलिस द्वारा उसे बंद करा दिया गया, जबकि आदेश 10 दिन का था। विरोध अश्वेत रूप व्यापारियों ने एसडीएम मुगलसराय की गाड़ी घेराव कर दिया था, जिसके बाद जल्द निस्तारण की बात कही जाने पर व्यापारियों मानने को तैयार हुए। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम पर्चे अपना? रोहित सचदेवा, जीटी रोड पर हमारी दुकान है। मजिस्ट्रेट सर से भी वार्ता हुई, उन्होंने सब व्यापारियों की समस्या को सुना और उस पर सभी की समस्या को जानते उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द आप लोग की समस्या का समाधान किया जाएगा। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा व्यापार बंद है और व्यापारी कितने दिन तक आके घर पर रहेगा। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए व्यापारियों की समस्या पर। तो आज आप दुकान खोल रहे हैं? आज हम लोग, कोई आदेश नहीं था इसलिए कोई दुकान हम लोग नहीं खोल रहे हैं। आदेश मिलने के बाद ही हम लोग दुकान खोल